हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन क्लास लेक्चर नंबर 11 और ये कौन सा क्लास है? क्लास 12th मैथ्स की पढ़ाई है, जिसमें अभी तक हमने इंटीग्रेशन के 10 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं और हमने एक्सरसाइज 7.1 7.2 भी कवर कर लिया है। 7.3 के भी मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज एक्सरसाइज 7.3 टोटली ख़त्म हो जाएगा आज के लेक्चर में, और उसके बाद आप लोगों को एक लेक्चर और मिलेगा जिसमें मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन दे दूँगा। वो बुक के एग्जाम्पल से या अदर बुक से होगा। उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट होगा। फिर से बता दूं कि जिन बच्चों ने 7.1 एक्सरसाइज, 7.2 एक्सरसाइज और 7.3 एक्सरसाइज अच्छे से करा हो, बढ़िया से बनाया हो, उनका गारंटी है इंटीग्रेशन पर पूरा पकड़ रहेगा। और मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट्स तो जानते ही हैं कि 20 जून 2021 को मैं एक ऑनलाइन टेस्ट लेने वाला हूं। अगर आप में कोई जो बाहर से स्टूडेंट्स भी मेरे वीडियो के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं और आपको भी टेस्ट में शामिल होना है तो आप मुझसे कम्युनिकेट करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप बात कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में ही मेरे कोचिंग के नाम का एक स्लाइड लगा रहता है, उस पर मेरा नंबर दिया हुआ है 9952499901। ऐसा मेरा नंबर है, ऐसा क्या यही है, तो इस पर आप लोग कम्युनिकेट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। टेस्ट होगा 7.1 7.2 और 7.3 एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। आशा करते हैं आप लोग सब बात समझ गए होंगे। आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। गर्मी थोड़ा ज़्यादा है इसलिए चेहरे के एक्सप्रेशन पर ना जाइएगा बच्चों, ठीक है ना? आप लोग पढ़ाई पे जाइएगा। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आज हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज 7.3 से, ठीक है, चलिए देखते हैं। ओह, इट्स सो डिस्गस्टिंग। मार्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको सुधार लेता हूँ। देखिए, सो वी राइट हियर क्वेश्चन नंबर 16 एंड आई इक्वल टू, आप जरूर देखेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन टू द पावर 4x एंड dx। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन भी पीछे के क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 के आधार पर है, ऑफ़ कोर्स, लेकिन उसमें स्क्वायर स्क्वायर करके बनाए थे, यहाँ पर वैसे हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पर टेन पावर 4 या टेन पावर स्क्वायर का अलग मेथड होता है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। आप समझ जाएंगे कि सर दो बार स्क्वायर लिखे, यानी ये चार पावर को, और इस बार ये क्वेश्चन आया भी था 2021 में, ठीक है। अब सुनिए, अब इसको क्या कीजिएगा, पहले वाले टेन स्क्वायर को इसको लिखिएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। बस एक को तोड़िएगा, दो को मत तोड़िएगा, नहीं तो फिर तकलीफ बढ़ जाएगी। टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी यहाँ आपने लिखा है फिलहाल टेन स्क्वायर एक्स बराबर, एक फार्मूला होता है टेंथ क्लास में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब क्या कीजिएगा, इसको आपस में गुना कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई, बहुत मज़ा आएगा आज के क्लास में। सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स और फिर से यहाँ टी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू टी एक्स। ये गुना किए इसके साथ एक पार्ट और ये इसके साथ एक पार्ट,
इसको आप क्या करेंगे ना, ये पहले वाले पार्ट को आप आई वन ले लेंगे, यानी कि इसको थोड़ा देर में बनाएंगे और माइनस इंटीग्रेशन आपको पीछे के कई लेक्चर में और फिर पीछे वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में भी मैंने बताया है कि टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कभी नहीं होता है। तो फिर इसको यही फार्मूला लगा दीजिएगा कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और डी एक्स, कहिएगा ठीक है ये आई वन को आई वन रहने दीजिए और माइनस थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट को लीजिए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन डी एक्स, बक्सा बंद। मेरी बात समझ रहे हैं, माइनस जहाँ है वही रहने दीजिए, इसको आपने गुना किया तो ये हो गया और ये ऐसे है माइनस में है। फिर आप एक स्टेप और बढ़ जाइए बच्चों, आई वन माइनस बक्सा में इसका होता है टेन एक्स, इसका होता है केवल एक्स, और यहाँ तक आप एक सी वन लिख सकते हैं, ठीक है इतना कर लेंगे। फिर आप थोड़ा सा और यहाँ पर समझा देते हैं आपको, बड़ा अच्छा रहेगा। तो देयरफॉर ये आई जो है, यही आई आपका पहला हो गया आई वन माइनस टेन एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस सी वन, ये कांस्टेंट है। और इसको आप इक्वेशन वन दे दीजिएगा और थोड़ा देर के लिए इसको आप घेर दीजिए ऐसे, इतना आप कर लेंगे। मैं एक मिनट का टाइम दे देता हूँ आपको, जल्दी से कर लीजिए। आज ये चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। जिन बच्चों ने मेहनत से पढ़ा होगा 7.1, 7.2 और 7.3 और खूब डिटेल में समझने की कोशिश की होगी, गारंटी है उनको बहुत मज़ा आएगा। अदरवाइज जिन बच्चों ने मेहनत नहीं करा उनको प्रॉब्लम होगी। ये 11 नंबर लेक्चर है, आगे भी बनेगा लेक्चर, इसमें टोटली 30-35 लेक्चर बनेंगे, याद रखिएगा। चलिए मानते हैं कि आप लोग यहाँ तक कर लिए होंगे। अब देखिए, अगर हम लोग देखें, इसको मिटा ही देते हैं ऊपर से ऐसे, यहाँ तक मिटा दे। अगर हम लोग देखें कि सिंस अगर आई वन की बात करें तो आई वन इक्वल टू आप लिख सकते हैं, सर जी आई वन इक्वल टू ये है, पहले है सर जी सेक स्क्वायर एक्स, फिर है सर जी टेन स्क्वायर एक्स और फिर है डी एक्स। आप कहेंगे हाँ इतना तो ठीक है, फिर क्या कीजिएगा, कहिएगा कि रुक जाओ भाई आई वन तो वो थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, टेन स्क्वायर एक्स फिर सेक स्क्वायर एक्स और फिर डी एक्स। हम कहेंगे ये भी ठीक है। फिर आप कहिएगा सर जी थोड़ा सा मैं इसको और सुधारता हूँ, कहेंगे ठीक है। लिखिएगा पुट, हिंदी मीडियम वाले माना लिख लेंगे कि टेन एक्स बराबर छोटा सा टी, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है और उधर से डी एक्स आ जाता है बराबर डी टी। यहाँ इस लेवल पर लेक्चर नंबर 11 में ऐसे ही लिखा जाएगा। अब आप बच्चे नहीं रहे इसलिए अब आप बड़े हो गए हैं 15-16 साल के, ठीक है। अब सुनिए, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो दिस इज डी टी। तो फिर इसको थोड़ा सा मिटकवा देते हैं, हाँ, और देखिए फिर आगे समझिए थोड़ा सा, खूब प्यार से समझिएगा मेरे भाई, अच्छा लगेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है अब आई वन बराबर आ रहा है इंटीग्रेशन, दिस इज यहाँ पर देखिए ये आई वन हो गया एक तरह से। तो टेन स्क्वायर को आप टी स्क्वायर लिख दीजिए और इतना को डी टी लिख दीजिए। फिर लिखिएगा अच्छा टी के पावर 3/3 प्लस सी टू कर दीजिए, यहाँ पर सी वन है और यहाँ पर सी टू है। फिर लिखिएगा देयर फोर टी मतलब टेन क्यू एक्स 3 प्लस सी टू, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये हमारा आई वन हो गया। अब लिखिएगा देयर फोर फ्रॉम वन, देयर फोर फ्रॉम वन, या आप सभी बच्चे समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं, आई बराबर आई वन का मान है टेन क्यू एक्स 3 टेन क्यू एक्स 3 माइनस टेन एक्स प्लस एक्स और प्लस सी लिख दीजिएगा और यहाँ लिखिएगा वेयर, हम धीरे धीरे आप लोगों को सी वन सी बराबर सी वन प्लस सी टू, यानी ये जो सी है ना इन दोनों के बराबर हमने यूज कर लिया।
आप आंसर देखोगे तो ये आपका किताबी आंसर होगा। आशा करते हैं सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो नोट डाउन, ठीक है, आई होप आप सभी को पसंद आया हो, तो तालिया हो जाए, तालिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप सभी बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो ये ऐसे ख़त्म हो जाएगा, और जो दिमाग नहीं लगाएगा वो चलते रहो जिंदगी भर। तो देखो मैं बताता हूँ, 17, ये क्वेश्चन 16 था जो कि कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 16-17 थोड़ा आसान है, 17 से भी ज़्यादा आसान 18 है, और 19 थोड़ा सा खींचेगा आपको, ठीक है। पहले समझो, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन 17 ही बोलेंगे ना फिलहाल, हाँ जी। देखिए SOLUTION सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन है, तो I बराबर हमने लिखा ऐसे साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। आप क्या करोगे, ऐसे करोगे, पीछे भी मैंने एक बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, आप जो कहोगे साइन क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक पार्ट हो गया, फिर प्लस कॉस क्यू एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कहोगे ठीक है सर, अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम कहेंगे ठीक है, अच्छा है, थैंक यू थैंक यू। अब इसको जैसे देखो, स्क्वायर से काटोगे ना तो ये क्यूब खत्म हो जाएगा, इधर से स्क्वायर से काटोगे तो ये भी क्यूब खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन ऊपर एक्स बचा है और नीचे बचा है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ बचा है तुमको कॉस एक्स और नीचे बचा है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ऊपर। कहोगे ठीक है सर, देखो आगे समझो, जब आगे बढ़ोगे तो होगा साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, कहोगे ठीक है सर आई इंटू वन बट्टा कॉस एक्स और डी एक्स, क्या दो बार लिख सकते हैं, फिर लिखोगे प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स इंटू वन बट्टा साइन एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको लिखोगे तुम टैन एक्स, इसको लिखोगे सेक एक्स डी एक्स, प्लस इसको लिखोगे कोवट एक्स, इसको लिखोगे कोसेक एक्स डी एक्स। पहले इतना कर लो फिर याद दिलाता हूँ, समझने की कोशिश करना होगा, अगर आप समझते हो तो ज़्यादा फायदा है, नहीं समझते हो तो कोई बात नहीं, दिक्कत होगा लाइफ में, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो करना है इसी ज़िंदगी में कर दो सब, क्या ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे बेहतर से, मज़ा आया होगा आप लोग को, मज़ा आया होगा, ठीक है। अब देखिए, याद कीजिए, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला रिकॉल करा दूँ, यहाँ पर याद कीजिए, अगर आपके पास इंटीग्रेशन टैन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स होते, इसका आंसर होता है सेक एक्स और हाँ सेक एक्स प्लस सी होता है, और अगर इसका ये इंटीग्रेशन है कॉट एक्स और कोसेक एक्स डी एक्स तो इसका होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। याद कीजिए, याद कीजिए, तब तक मैं आप लोग को और कुछ समझा दूँ बढ़िया से।
ठीक है ना। तो इसी बात को याद कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, इसी स्टेप को जहाँ मैंने मार्किंग किया है वहाँ आप लिखेंगे, इसको लिख देंगे आप सेक एक्स, आप इसको लिख देंगे माइनस कोसेक एक्स। सबमिट को आइए, मिट्टी जा भाई, सबमिट के प्लस सी, ये आपका आई हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, जबरदस्त आसान था ये क्वेश्चन। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए जल्दी से 18 पर चलते हैं। बाबू याद करके रखोगे ना तो ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, अदरवाइज अगर याद करके नहीं रखते हो तो तकलीफ होगी। चलिए आशा करते हैं यहाँ तक कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन समझते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन 18 की अगर बात करें, यहाँ पर हमने लिखा 18, हमने लिखा SOLUTION सॉल्यूशन, फिर हमने लिखा आई और फिर यहाँ एस। अगर इंटीग्रेशन देखा जाए तो इंटीग्रेशन है, फिर कॉवस है और 2x है प्लस 2 sin² x है शायद, मैं देख लेता हूँ। हाँ 2 sin² x ही है और अपॉन है नीचे cos² x और dx। बाबू यकीन मानो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। फिलहाल तुमको टफ लग रहा होगा कि सर कैसे बनाएं, हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। तो याद कीजिए कुर्बानी कि अगर cos² x आपको फार्मूला याद होगा तो cos² x का एगो भाई होता है एगो बेटा होता है 1 - 2 sin² x। इसी को यहाँ पुट कर दीजिएगा, लिखिएगा बराबर 1 - 2 sin² x और प्लस 2 sin² x ठीक है और बाई cos² x dx। ये आपस में भिसुम भिसुम कर जाएगा, बटेगा इंटीग्रेशन 1 cos² x और dx। कहोगे अच्छा सर जी दिस इज sec² x dx, फाइनली लिख दोगे tan x + c। याद आया tan x + c इसका इंटीग्रेशन होता है sec² x और dx हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan x + c। नोट कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ बिकॉज मुझे भी प्यास लग रही है। ठीक है अब चलते हैं हम 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मतलब लेवल का है। पूछता भी रहता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, चलिए आशा करते हैं ये कर लिए होंगे 18। अब 19 पर चलते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्वेश्चन 19, तो आई बराबर आपके पास इंटीग्रेशन है 1 sin x cos q x dx, यही है। आप सबसे पहले कीजिएगा ऐसे इंटीग्रेशन, 1 को लिखिएगा sin² x और प्लस, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ cos² x बट्टा sin x cos q x और फिर से dx। फिर आप कहिएगा सर अलग अलग तोड़ रहे हैं। हाँ जी तोड़ दो, तोड़ना तो पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन sin² x / sin x cos q x dx
प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। अब देखो भाई, सबसे पहली बात समझने की कोशिश करोगे, एगो से एगो है कट गया, कट गया ना, बात समझना, कट गया एगो से एगो कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ पर बच रहा इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा कॉस, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा दे रहा है ठीक है ना, कॉस क्यू एक्स थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा दे रहा है, कोई बाउंस नहीं मारेगा, प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर से ऐसे कुछ कट गया तो क्या बचा नीचे, वन बट्टा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। पहले इतना कर लो, फिर आप लोग थोड़ा सा ऐसे लिखोगे यहाँ पर ये वाला चीज, साइन एक्स बट्टा सिंपल ए को कॉस एक्स इंटू वन बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कहेंगे ठीक है। फिर इसको कहोगे कि सर इसको कैसे बनाए, तो इसको बनाने में फिर से आपको इस वन के लिए आपको लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। पहले इतना करो फिर बताते हैं, आशा करते हैं आप समझ गए होगे यहाँ तक। चलो अब ऊपर आते हैं, दो स्टेप हमने ख़त्म किया। देखो इसका क्या होगा, इसका होगा टैन एक्स, तो लिखोगे बराबर इंटीग्रेशन टैन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये आई। अब प्लस इसको सोचो, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बट्टा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इसको देखो, अगर कोई होशियार बच्चा होगा तो इसका आंसर डायरेक्ट बना देगा टेन एक्स का स्क्वायर बाई टू अब प्लस सी, इसका बना देगा, लेकिन तुमसे नहीं बनेगा सबसे, इसलिए फिलहाल इसको आई वन लिख दिया जा रहा है। अब प्लस इसमें स्क्वायर से इसको काट दिया जा रहा है, तो क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा कॉस एक्स, यही ना बच रहा है डी एक्स। और प्लस इसमें कॉस से वो कॉस को काट दिया जा रहा है, तो क्या बच रहा है, कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ तक तुम लोग थोड़ा प्यास से पहले समझ लो, अब फिर हम तुमको एक मिनट में शुरू करते हैं। रुका हुआ है वीडियो, देखो सब आराम से। चलो मान लो कि तुम लोग समझ गए होगे, अब सोचो बात को समझने की कोशिश करना, मैं जो कोई हड़बड़ी नहीं है, तुम लोग समझते ही हो, तुम लोग में सब बच्चा कहता है सर जब भारी क्वेश्चन है थोड़ा और आराम से पढ़ाते, वाकई सही बात है। अब सुनो, मैं बोला भी थोड़ा खींचेगा, इसको आई वन को आई वन रहने दो, प्लस इंटीग्रेशन इसको तुम लोग टैन एक्स और डी एक्स लिख सकते हो, और इसको तुम लोग लिख सकते हो इंटीग्रेशन कॉट एक्स और डी एक्स लिख सकते हो। फिर कहोगे सर आई वन को आई वन रहने देते हैं, इसको प्लस, इसको प्लस ना लिख कर इसको माइनस लिख दो, माइनस लॉग मॉड साइन एक्स, साइन एक्स नहीं होगा, लॉग मॉड कॉस एक्स। फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने तुम लोग को पढ़ाया था कि सबसे लास्ट में फॉर्मूला देखना सब, अगर नोट्स बनाए होगे तो मिलेगा कि टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, वो होता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी या लॉग सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो उसी तरह अगर टेन एक्स डी एक्स है तो माइनस लॉग कॉस एक्स लिखा सकता है,
और कॉटेक्स का याद कर लेना सब लॉग मॉड साइन एक्स होता है, प्लस सी वन कर लो। आ रहा होगा समझ में, अगर थोड़ा खिंचाई है वो और बात है। फिर देखो आई वन माइनस, माइनस ना करके प्लस कर दो लॉग मॉड साइन एक्स पहले, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स बाद में, प्लस सी वन। फिर अगर आई वन है तो प्लस देखो लॉग साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स। खेल खूब खेलना है इंटीग्रेशन में, अगर तुम सोचोगे ना कि यहाँ खेल नहीं है, यहाँ पर खूब खेल है। ये एगो राजनीति भी है, पॉलिटिक्स भी है, कौनो पार्टी है ने कौनो पार्टी होने, जौना के मन जने घुस जाता है सबका दार बन जाता है, ठीक है। एक राजनीति है। देखो अगर कहने का अर्थ यह है कि आंसर तो ही हो सकता था, लेकिन वह जो आंसर देगा तुम्हारे किताब में या तुम्हारे आंसर शीट में या तुमको एग्जाम में चेक होगा तो वो थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा, पूरा राजनीति लगा देगा सब कि लैकन के प्राण निकल जाए। उन लोग को तनको माया नहीं आता है लैकन पर, समझे। अब लड़का इतना परेशान होकर पढ़ता है सब, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है ना, इतना परेशान होकर पढ़ता है सब। आप लोग खुद सोचो कि आईएससी कर रहे हो मैथ से चाहे बायो से, अगर कोई सिंसेरिटी से पढ़ता है ना लड़का लड़की, तो वो 10-10 घंटा घर पर सेल्फ स्टडी करता है, दिन भर पढ़ते पढ़ते थक जाता है, आ तब क्वेश्चन बनाता है सब, उसमें वो अपन प्राण निकलवा देता है सब। समझ रहे हो बात, समझने की कोशिश करना। तनि सोचना चाहिए कि भाई लड़का पढ़ रहा है तो तनि बढ़िया से क्वेश्चन दे, क्या ज़रूरत है ज़्यादा सोल्व कराने का। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हम लोग को यही करना है, तो देखो अब नहीं बोलेंगे पूछो। तो कुल मिला के यही कहानी है, साइन बट्टा कॉस हो जाएगा, लॉग एम और एन का माइनस होता है तो भागा लग जाता है। याद होगा तुम लोग को, इतना कर लो, फिर भाई आई वन पर काम किया जाएगा, आई वन को निकाल के तब आंसर लग दिया जाएगा। पहले लिख लो सब, आज रुको ना, पहले एक और स्टेप कर लो, यहीं पर लिख लो। कहो कि सर जी आई वन ठीक है बा, अब प्लस लॉग, आ जब साइन बटा कॉस लिख दिए हैं तो काहे नहीं सर इसको टैन एक्स लिख देते हैं, अब प्लस सी वन, यहाँ इतना कर लो सर। ये वाला याद करना सर तुम, ये वाला करो जल्दी, समझे, प्राण निकलवा देगा सब, ठीक है ना। अब चलो मान लो तुम लोग कर लिए होगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम हटा नहीं रहे, पहले रुको, इसको इक्वेशन वन भी कर देना बच्चा पार्टी, दिस इज फर्स्ट। अब सुनो, अब कहो कि मेरा आई वन कहाँ गया, तो कहोगे आई वन बराबर इंटीग्रेशन टैन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, गुड। फिर कहोगे कि पुट, हम कहेंगे ठीक है पुट टैन एक्स बराबर छोटा सा टी, तो टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो आई वन, इसको वन लिखना था, ठीक है। आई वन बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन टी और डी टी, क्यों, टैन एक्स को टी लिख दिया और इसको डी टी लिख दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी टू। मान लो ये सही हो गया है, यहाँ तक तुमको याद हो गया होगा, वो सब मैंने लिख लिया होगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी टू, सॉरी टी स्क्वायर बाई टू तो उन्हें लिख ही दिया है, इसको लिख देना टैन एक्स का स्क्वायर बाई टू प्लस सी टू। फाइनल आंसर लिखवाते हैं, जल्दी कर लो सब, फाइनल आंसर भी लिखवाते हैं, गर्मी है ये स्पष्ट बात है, वैन नहीं चलाना है, ठीक है ना, लेकिन पढ़ाना है। देखो चलो आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना सब। तो फाइनली ये जो I बराबर जो क्वेश्चंस हैं 19 नंबर, फाइनली I बराबर सब दिख रहा होगा तुम लोग, देखो फाइनली तुम लोग लिखना देयरफॉर I बराबर तुम लोग का आंसर हो जाएगा बाबू, हाई हो गया टैन एक्स बाई टू का स्क्वायर बाई टू प्लस लॉग मॉड टैन एक्स प्लस सी, और सी बराबर हो जाएगा सी वन प्लस सी टू, यही तुम लोग का बाबू आंसर हो जाएगा, कर लो सब। आई होप तुम लोग इसको कैरी कर लोगे। अब देखो 20 21 22 23 24 अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 20-25 मिनट तो और लगेगा ही, बनाओ सब, मैं हूँ ना, हम हैं तो क्या गम है, ठीक है ना।
करते रहो बाबू। ठीक है, आधा घंटा का वीडियो हो चुका है, 30 मिनट समथिंग हो रहा है, और हम लोग 30 मिनट और खींचते हैं, मतलब बनाते हैं, देखते हैं और 30 मिनट में कितना हो रहा है। ठीक है, चलो तो ये मैं मिटा देता हूँ और 20 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो आगे के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, कुछ क्वेश्चंस टफ हैं। तो 20, 21 ये दोनों क्वेश्चन छोटे हैं, 20, 21 सब दो, ये दोनों क्वेश्चन छोटे हैं। देखो 20 नंबर पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो क्वेश्चन उतार लो, आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स बट्टा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। याद करो कि मैंने तुमको कॉस टू एक्स का फॉर्मूला पढ़ाया है, एक ये भी कॉस टू एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तुम लोग कहोगे सर कहाँ कहाँ से लाते हैं, बस दिमाग दौड़ाते हैं। तो देखो लिखो बराबर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। ऊपर वाले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान के तोड़ दो, तो लिखोगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ लिखोगे फिर से कॉस एक्स माइनस, अभी तो लिखिए लिए होगे तुम लोग, माइनस साइन एक्स, और यहाँ डी एक्स, और पूरा बटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये वाला से इसका स्क्वायर हुआ, मैंने एक तरह से ख़त्म हो गया। बचा क्या बाबू, तो बचा ये इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। थोड़ा सा मेरे बात को समझना और मज़ा आएगा। क्या करो, ऊपर वाले को रहने दो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ लिख दो, पहले लिख दो साइन एक्स को, अब बाद में लिख दो कॉस एक्स को। देख रहे हो, अब चलो इसको समझने की कोशिश करो, इतना कर लो उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो लिखो पुट, ये आई ही है बाबू, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डिफरेंस माइनस साइन एक्स होता है, और फिर डी एक्स हो गया और बराबर डी टी हो गया। सो ऊपर वाला ये इतना डी टी हो गया, तो लिखोगे कि आई बराबर इंटीग्रेशन ऊपर डी टी और नीचे केवल टी, क्योंकि ये टी के बराबर है। ये हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी, फिर लिखोगे बराबर लॉग मॉड टी का मतलब मान के चले हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आई हो गया। तो आशा करते हैं तुमको सब समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। क्यों आदित्य कुमार, अक्षरा कुमारी, आप सबों को समझ में आ रहा है ना, आना भी चाहिए। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, 22 नंबर में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी 23, 24 तो ऑब्जेक्टिव है तो कुछ है ही नहीं, फिर भी 20 मिनट और चलेगा क्लास। चलिए कीजिए, देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए भाई मैंने इसे मिटाया, आंसर तो हो गया है ना, हाँ आंसर यहाँ हुआ है। ठीक, कभी कभी जानते हैं मैं आप लोग को बोल चुका हूँ, मैं चूंकि अकेले वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, कभी कभी मुझसे कोई मिसिंग हो जाएगी ना तो पकड़ में भी नहीं आएगी, ऐसे बच्चे रहते हैं तो कोरिलेट होता है कि सर जी यहाँ पर आप कुछ छोड़ दिए, यहाँ वैसी बात हो नहीं रही है,
मैं जो लिख रहा हूँ चल रहा है तो चल रहा है, और वीडियो के सामने मैं कैमरा के सामने पढ़ना है समझना है तो फिर वही बात, चलिए करिए कोई बात नहीं। सबसे पहली बात हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। देखिए अगर देखा जाए क्वेश्चन 21 तो ये एकदम लल्लू लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कर है साइन इनवर्स और कॉस एक्स और डी एक्स। तो मैंने आप लोग को बहुत बार पढ़ाया है, अगर एक्सरसाइज 5.3 भी पढ़े होंगे मेरे से, और 5.3 भी ऑनलाइन ही पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में भी है आपको क्लासरूम कोर्स 12th में, तो आपको याद होगा कि अगर कभी यहाँ साइन आ जाए और यहाँ कॉस इनवर्स एक्स आ जाए तो इसको सेटलमेंट ऐसे करते हैं, साइन को साइन रहने देते हैं, इसको लिखते हैं साइन, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया सॉरी बच्चों, अगर कभी यहाँ साइन इनवर्स आ जाए और यहाँ कॉस एक्स आ जाए तो इसको साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रहने देते हैं, और इसको लिखते हैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, क्योंकि अगर जूनियर क्लास में देखा जाए तो इतना फॉर्मूला होता है, और ये साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा पाई बाई टू माइनस एक्स। याद आया आपको? ज़रूर याद आ गया होगा। क्यों आदित्य याद आया होगा तो कमेंट कर देना सब, तुम लोग कमेंट कम करता है यार, सब कमेंट करो सब, ठीक है ना। अब देखो तो वही कहानी यहाँ पर है, साइन इनवर्स और इसको लिख दीजिए साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, क्यों इतना को आप लिख रहे हैं डी एक्स, तो कहिएगा साइन साइन खत्म, इंटीग्रेशन पाई बाई टू माइनस एक्स और डी एक्स अलग अलग कर दीजिएगा, पाई बाई टू डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, पाई बाई टू चूँकि कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा इसलिए, तो अगर आगे बढ़िएगा तो पाई बाई टू जहाँ है पाई बाई टू रह जाएगा, इसका एक्स हो जाएगा माइनस इसका एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा प्लस सी, ये आपका आंसर आई बराबर हो सकता है। इसको एक बार और लिख देते हैं, आई बराबर पाई एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो फाइनली दिस इज कम्प्लीटेड। अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज ये नहीं समझ में आएगा और आप परेशान रह जाओगे। अब एक क्वेश्चन जो है वही 22 नंबर, उसको समझना सब, 22 नंबर के अकॉर्डिंग कोई एग्जांपल होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, 22 नंबर के अकॉर्डिंग कोई एग्जांपल मुझे नहीं दिख रहा है, सो मैं 22 नंबर बता दे रहा हूँ, आप 22 नंबर के अकॉर्डिंग आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, आगे का जो लेक्चर आएगा वो आएगा कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड, लगभग 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा एक्स्ट्रा में कि तुम लोग का दिमाग और खुले, इसलिए बात को ध्यान रखना सब, ठीक है ना। चलो इतना कर लोगे, अब अगला 22 पे चलते हैं, वी आर गोइंग ऑन क्वेश्चन नंबर 22। सो बच्चों देखो, जब 22 क्वेश्चन की जब तुम बात करोगे या मैं बात करूंगा तो होगा क्या कि सबसे पहले तो हम क्वेश्चन 22 लिख देंगे, थोड़ा सा बड़ा है आप आई बराबर लिख देना, कभी कभी पूछ भी देता है, ठीक है ना। ऊपर लिखा है 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए एंड कॉस एक्स माइनस बी। बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत टफ लगता है, टफ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सेंस लगाना होगा। देखो अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तो सबसे पहले बात तो है कि इसमें थोड़ा रिवीजन ज़रूरत है, सबसे पहले यहाँ लिखना 1 बाई साइन ए माइनस बी, इसी लॉजिक से ये क्वेश्चन बनेगा। तो जब यहाँ 1 बाई साइन ए माइनस बी लिखोगे तो कहोगे कि सर जी यहाँ आप बटा लगा दिए, इसी के लिए यहाँ पर ऊपर वा लिख दो साइन ए माइनस बी, और यहाँ लिख दो कॉस एक्स माइनस ए और फिर कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ लिख दो डी एक्स। आशा करते हैं समझ रहे होगा सब। देखो ये और ये आपस में कट जाएगा, आदत लग चुका होगा तुम लोगों को मिला जुला के। अब सुनो, ये थोड़ा सा मेहनत कराएगा, 1 बाई साइन ए माइनस बी, ठीक है, कहोगे ठीक है सर 1 बाई साइन ए माइनस बी तुमने लिखा, और ऊपर जो इंटीग्रेशन है इसमें देखो क्या करोगे, साइन ऐसे लिखना, बात को समझने की कोशिश करना, ए माइनस बी है ना,
अब पहले लिखो, हम बताते हैं, लिखो ऐसे x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। कहोगे सर जी रटा रहे हो, रटा नहीं रहे, समझने की कोशिश करना। कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। अब देखो बात समझो, अगर इस चीज़ को तुम एक्स माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए को अगर बाहर करते हो तो एक्स माइनस बी माइनस माइनस एक्स और प्लस ए, एक्स कट जाएगा और इसको ए माइनस बी फिर तुम लिख लोगे। यही लॉजिक है, इसी लॉजिक पे ये क्वेश्चन बनेगा। पहले इतना कर लो, मैं फिर बताता हूँ। डी एक्स रहेगा, दिमाग बहुत दौड़ाना है इस क्वेश्चन में, ऐसे नहीं बनेगा। अब सोचना ये सब करने के बाद इसको मिटकवा देते हैं, साइन ए माइनस बी का फार्मूला। तो कहोगे सर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, हम कहेंगे ठीक है भाई। अब सोचो कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो देखो यहाँ पर फिर से वन बट्टा साइन ए माइनस बी, ये ठीक है। वहाँ देखो साइन ए यानी साइन एक्स माइनस बी, फिर कॉस बी तो कॉस एक्स माइनस ए, हाँ ठीक है, फिर माइनस कॉस ए तो कॉस एक्स माइनस बी, और फिर साइन तो साइन एक्स माइनस ए। फार्मूला पे तोड़े हैं और इसको फिर से हमने ऐसे कर दिया, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, और ये हमारा डी एक्स। इतना पहले कर लो फिर मैं बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस जो है ना दिमाग का दही करने के लिए काफ़ी है, ठीक है, फिर भी पढ़ना है, अभी तो जिंदगी है। जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार कर ले, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो। जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, अब रहने दो ठीक है। प्यार की एक घड़ी है बड़ी। देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए वन बाई साइन ए माइनस बी, ठीक है, इंटीग्रेशन के जगह यहाँ पर बक्सा रख दीजिए ऐसे और एक इंटीग्रेशन दीजिए ऐसे। पहले लिखिए साइन एक्स माइनस बी और ये वाला और कॉस एक्स माइनस ए बट्टा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स माइनस, ये माइनस, फिर एक इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए बट्टा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, और ये बक्सा है तो यहाँ भी ऐसे बक्सा बंद। देखिए कॉस एक्स माइनस एक से कॉस एक्स माइनस ए कट जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा, बचा क्या वन बाई साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स।
देखते चलो। फिर कहोगे सर जी हम जी हम जी, वन बाई साइन एक्स ए माइनस बी इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस बी, हाँ जी इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ए, हाँ जी। अभी आपको मैंने पढ़ाया है थोड़ा देर पहले इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स का मान माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, उसी को यहाँ रिपीट कर दीजिए। लिखिए बराबर वन बाई साइन ए माइनस बी, ये सब क्वेश्चन पूछेगा पाँच नंबर में, याद रखना, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस बी इसका है, और ये माइनस फिर एगो माइनस मान लो, और लॉग कॉस एक्स माइनस ए, बक्सा बंद मिटवा दें, मिटका देते हैं। फिर एक स्टेप और ले लेते हैं, वन बाई साइन ए माइनस बी इंटू, पहले इसको लिख लो माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए और प्लस सी। दो चार स्टेप और लगेगा, दो स्टेप तो लग ही सकता है, पहले इतना कर लो सब। हाँ और दो क्वेश्चन और है, हो जाएगा, एक घंटा प्लस का वीडियो बनेगा लेकिन हो जाएगा। चलो देखो, देखो भाई खूब अच्छे से समझना सब, ये लिखोगे बराबर वन बाई साइन ए माइनस बी और इंटू, इसको लिखोगे पहले इसको बाहर कर लोगे लॉग एक्स माइनस ए माइनस लॉग, सॉरी सॉरी कहोगे कॉसवा कहाँ छोड़ दला हो मर्दवा, ठीक है ना, कॉस एक्स माइनस ए और माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। फिर कहोगे कि सर जी इसको थोड़ा ऐसे कर लो, हम कहेंगे अच्छा साइन ए माइनस बी लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए बट्टा कॉस एक्स माइनस बी, याद है प्लस सी। ऐसे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चंस, ये हमारा आंसर, इसको पाँच नंबर के अकॉर्डिंग आप भी मान सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, जिंदगी है तो जंग है। ख़त्म हो गया, दो ऑब्जेक्टिव्स बचे हुए हैं उनको भी मैं करा देता हूँ, तभी हम कंप्लीट करेंगे इसको चैप्टर को, आज एक लेक्चर को। हो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। आजकल जोक्स नहीं आ रहे दिमाग में हमारे, ठीक है ना, नहीं तो हम जोक्स भी सुनाते आप लोगों को, मैं मिस कर गया हूँ जोक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको 23 नंबर, जो कि एग्जाम्पल से आएगा, आप लोगों को बेहतर पढ़ाया जा रहा है टॉपिक वाइज 23, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट आई बराबर आपके पास इंटीग्रेशन हो और ऊपर हो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा, नीचे हो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप कैसे बनाओगे। ये क्वेश्चन वीवीआई है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बनाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, लिखिएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स
बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कट गया। वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये हो गया आई। कहिएगा आई बराबर इसका आप आंसर जानते हैं डायरेक्ट होता है टेन एक्स और इसको कहिएगा सर जी इसका तो होता है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो सर जी इसका होता है माइनस कोटेक्स प्लस सी। फिर लिखिएगा टेन एक्स को टेन एक्स और प्लस कोटेक्स प्लस सी। ऑप्शन चेक कर लीजिए आप लोग संभवतः फर्स्ट ऑप्शन ही सही है ऑप्शन नंबर ए। कंप्लीट एक क्वेश्चन और है उसको भी मैं करा देता हूँ। 24 नंबर में क्वेश्चन करा देता हूँ अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। चलिए आशा करते हैं आप कर लिए होंगे। 24 पे चलते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट या जो है हमारे पास e का पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में e के पावर एक्स इंटू एक्स। अगर किसी के किताब में अंट संट दिया होगा तो सुधार लेना सब ऐसा ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है ना तो कोनो कोनो में गड़बड़ा दिया है किताब में ठीक है ना तो सुधार लेना सब क्वेश्चन ये सही है ठीक है। लिखना पुट e के पावर एक्स इंटू एक्स बराबर टी कहोगे अच्छा फिर लिखोगे डी बाई डी एक्स थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा देते हैं। ई के पावर एक्स इंटू एक्स बराबर डी बाई डी एक्स और टी कहोगे सर जी ई के पावर एक्स बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हम कहेंगे ठीक है। फिर कहोगे एक्स बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स कहोगे सर जी ई के पावर एक्स ठीक है इंटू वन प्लस एक्स इंटू ई के पावर एक्स बराबर डी टी बट्टा डी एक्स हम कहेंगे ये भी सही है। ई के पावर एक्स कॉमन कर लोगे तो ई के पावर एक्स निकल जाएगा वन प्लस एक्स इधर डी एक्स आ जाएगा उधर डी टी रह जाएगा। अब हैकरा के मिला बाबू हैकरा से देखो तो सेम है कहोगे हाँ सर है मैं तो देखो आई नाम का आदमी क्या हो गया ऊपर डी टी या नीचे कॉस स्क्वायर टी ऊपर डी टी ठीक बा और नीचे कॉस स्क्वायर टी क्या कह करके तो टी मान लो बड़ा। अब देखो तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन टैन स्क्वायर सॉरी टैन स्क्वायर फिलहाल नहीं आंसर वही पंद्रह में जा रहा है सेक स्क्वायर टी डी टी कहोगे ठीक है सर क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा इधर हो जाएगा टैन टी डी सॉरी प्लस सी। फिर लिखोगे टैन और टी का मान है ई के पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी गर्मी थोड़ा ज़्यादा है इसलिए टेम्परेंच हो जाता है आदमी लेकिन आंसर ये होगा आंसर सेलेक्ट कर लो इसमें आंसर नंबर बी आ रहा है। आशा करते हैं सब समझ में आ गया होगा। तुम लोग जैसे ही इसके आगे देखोगे तो कुछ अलग अलग फार्मूला दिया होगा किताब में पर इतना कर लो मैं 5 मिनट और पढ़ाऊँगा या 7 मिनट और 5-7 मिनट और पढ़ाऊँगा आप लोग।
हाँ 5-7 मिनट और, फर्ज बनता है, इट्स माय ड्यूटी। देखो अब मैं तुम लोगों को एक लेक्चर और कराऊंगा, पीछे के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, और इसके बाद इंटीग्रेशन से अभी हम लोग टेलर टेलर खेल लिए हैं, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन से लड़ाई शुरू होगी, ठीक है ना। मतलब कहानी समझो कि जैसे कि होता क्या, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा इंटरटेन भी करा देते हैं। जैसे कि छोटा मोटा विस्फोट होते रहता है देश उसमें ना, कब आतंकवादी ही यहाँ विस्फोट कर दिया, कब वहाँ विस्फोट कर दिया, तो वह सब था 7.123, छोटा मोटा काम था, ठीक है। अब जो कारगिल पर लड़ाई होता है हम लोग के देश में, वही लड़ाई शुरू होने वाला है 7.4 से, 7.4 और 7.5 में धमाकेदार लड़ाई होगा। जितना लड़ना है लड़ लो, अपने आप को खा पी के मजबूत बना लेना सब, आ खाना पीना का सेंस है 7.123, आ प्लस जितना फॉर्मूला लिखा है सबको याद करके अच्छे से रिविजन करके रखना सब, ठीक है। तो देखना तुम्हारा लड़ाई में तुम का करते हो, इंटीग्रेशन पर झंडा गाड़ देते हो कि तुम खुद गड़ा जाते हो यानी समझ ना मतलब मैंने इंटीग्रेशन पर तुमको झंडा गाड़ना है कि नहीं गाड़ना है, ये 7.4 और 7.5 डिसाइड करेगा, ठीक है। चलो मैं कुछ फार्मूला लिखा दूँ। देखो मैंने फार्मूला कुछ, मेरा भी टेक्निक्स है, यहाँ तक कर लिए होगे, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छे बच्चे हो ठीक है ना, खूब अच्छे बच्चे हो तुम सब, ठीक है। आधा घोड़ा पढ़ता है, आधा घोड़ा नहीं पढ़ता है। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, देखो यहाँ पर समझो। एक मैं ऐसे तो बहुत सारी बातें, लेकिन मैं इसका नाम दिया हूँ, चूँकि थोड़ा टेक्निकली आजकल मैंने इसका नाम दिया सुपर सिक्स। ये मेरा तरीका है सुपर सिक्स। ऐसे किसी टीचर से कहोगे सर सुपर सिक्स, तो कहेगा सुपर सिक्स कुछ नहीं होता है, वाकई कुछ नहीं होता है। सुपर सिक्स मैंने फार्मूला अपने से नाम दिया है, कोई किसी का नाम होता है अपने से नाम दे देते हैं फार्मूला, किताबों में इसका कोई नाम उम नहीं है, सुपर सिक्स फार्मूला। देखो यानी इसमें 6 फार्मूले आएंगे, 6 के 6 फार्मूले खतरनाक हैं। कहोगे खतरनाक होता है, हाँ खतरनाक होता है। देखो पहला फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन dx बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डायरेक्ट यूज होगा, ठीक है ना, डायरेक्ट यूज होगा 1/2 a log x माइनस ए बट्टा एक्स प्लस ए आ प्लस सी, ठीक है। एक और देखो दूसरा नंबर, इसको समझना, इंटीग्रेशन dx बट्टा, ठीक है ना, लिख दो सब अच्छे से लिखो सब, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, बराबर 1/2 लिख लेना, ए लिख लेना, लॉग भी लिख लेना, और यहाँ देखो यहाँ थोड़ा सा बदल जाएगा, यहाँ तुमको हो जाएगा पहले ए प्लस एक्स, अब फिर बाद में हो जाएगा ए माइनस एक्स प्लस सी। तीसरा देखो, थर्ड, डी एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कहोगे वाह इसका फॉर्मूला जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा 1/a टैन इनवर्स एक्स बाई ए, 1/a टैन इनवर्स एक्स बाई ए, ऐसे कुष्ठ में भी रख सकते प्लस सी। तीन गो हुआ, तीन गो और है, चौथा में चलो, ये होगा dx बट्टा रूट अंडर, ये सब रूट में घुस जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका देखो क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, लिख लो सब, फिर मैं लिखाता हूँ। और फिर एक और देखो, ये देखो पांचवा,
डी एक्स बटा रूट अंडर अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तब क्या करेंगे, तो इसको तुम लिखना साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये सब लड़ाई है इंटीग्रेशन से, लड़ाई में पांच को हथियार तैयार हो गए, एक और हथियार भी लिखना है, इतना लिख लो। ये सब वेपन्स हैं, वेपन्स हथियार। चलो देखो, ये है उससे ये टैली किया, ये है इससे ये टैली किया, इसका भाई कहाँ गया, निचवा चुकी नहीं दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ छठा नंबर। देखो अगर छठा नंबर की बात करें तो इंटीग्रेशन डी एक्स बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर लॉग लिख देना और एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख देना प्लस सी। ये छः फार्मूले हैं, ठीक है ना, इनको तुम 36 बार लिखना कॉपी में, ठीक है ना। छः फार्मूलों को कितना बार लिखोगे, 36 बार लिखना, 36 बार, उससे कम मत लिखना। अब सोच रहे होगे कि 36 बार क्या होता है, तो मुझे नहीं पता 36 क्या होता है ऐसे तो पता है, लेकिन 36 बार इस सभी फार्मूले को लिखना कॉपी में, खूब लिखना, खूब लिखना, खूब लिखना, जब तक मियाज ना हार जाए तब तक लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना। एक दिन मुकाम पर पहुंच जाओगे, एवरेस्ट पर पहुंच के झंडा गाड़ दोगे। कल का जो लेक्चर आएगा, मतलब आज लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 11 के बाद लेक्चर नंबर 12, उसमें मैं सेलेक्टेड 10 से 12 क्वेश्चन अपने से कराऊंगा। लेक्चर नंबर 13 से शुरू होगा एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आशा करते हैं आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। और यहाँ से हम लोग तीन लेक्चर का, सॉरी तीन एक्सरसाइज का टेस्ट भी लेने वाले हैं, करने वाले हैं 20 जून को। तो आप सभी प्रिपेयर हो जाइए, मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट भी, आउट ऑफ क्लासरूम स्टूडेंट आपका भी इस टेस्ट में स्वागत है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।